सोन अटैक कैसे? काशीनाथ की गवाही से पुलिस दिलावर खान को 5 साल के लिए जेल भिजवा देती है। 5 साल की सजा काटने के बाद दिलावर खान जेल से बाहर आता है। उसको जान से नहीं मारना है। अगर उसको जान से मार दिया तो मेरे जीने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। उसको जान से मारने की बजाय बल्कि इतना मारो कि उसके हाथ पैर तोड़कर उसके बाप के सामने फेंक दो, ताकि अपने बेटे को देखकर उसकी रूह धड़ा उठे। भाई आप कहें तो उसके बाप को भी हाथ पैर तोड़ देते हैं, सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। नहीं जोरावर, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। जोश में होश नहीं होया करते,
उसके बाप को तो मैं बहुत बुरी मौत दूंगा। आज उसी की गवाही की वजह से मैंने 5 साल जेल में गुजारे हैं। मैं उसे बताऊंगा दिलावर खान के खिलाफ गवाही देने का अंजाम क्या होता है। भूल जाएगा वो किसी का भी विटनेस बनना। जाओ तोड़ दो साले के हाथ पैर। दीवाना हूँ मैं, मस्ताना हूँ मैं, चलता ही जाऊँ अनजाना हूँ मैं। दीवाना हूँ मैं, मस्ताना हूँ मैं, चलता ही जाऊँ अनजाना हूँ मैं। हो यादों को तेरी दिल से लगा के तेरे ही नगमे गाता रहूंगा। ला 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 ला। यादों को तेरी दिल से लगा के तेरे ही नगमे गाता रहूंगा। सपनों में तेरे आके मैं तुझको धीरे धीरे से सताता रहूंगा। कली तू बहारों है, फिजाओं की रानी तू है। कली तू बहारों की है, फिजाओं की रानी तू है। दीवाना हूँ मैं, मस्ताना हूँ मैं, चलता ही जाऊँ अनजाना हूँ मैं। दीवाना हूँ मैं, मस्ताना हूँ मैं, चलता ही जाऊँ अनजाना हूँ मैं। तेरे होठों की लाली चुराऊं मैं तुझको अपनी दुल्हन बनाऊं। ला 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 ला। तेरे होठों की लाली चुराऊं मैं तुझको अपनी दुल्हन बनाऊं। बातों को तेरी मैं याद करके इन राहों में चलता ही जाऊं। दिल की कहानी राजा की रानी तू है। दिल की कहानी तू है राजा की रानी तू है। दीवाना हूँ मैं, मस्ताना हूँ मैं, चलता ही जाऊँ अनजाना हूँ मैं। दीवाना हूँ मैं, मस्ताना हूँ मैं, चलता ही जाऊँ अनजाना हूँ मैं। Thank you.
लगा के मैं तुझको जी भर के प्यार करूँगा। ला 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 ला, तस्वीर तेरी दिल से लगा के मैं तुझको जी भर के प्यार करूँगा। आऊँगा एक दिन मैं तुझको लेने, फिर ना कभी मैं दूर जाऊँगा। नजर तेरी जादू भरी करती है दिल की बेबसी, नजर तेरी जादू भरी करती है दिल की बेबसी। दीवाना हूँ मैं, मस्ताना हूँ मैं, चलता ही जाऊँ अनजाना हूँ मैं। दीवाना हूँ मैं, मस्ताना हूँ मैं, चलता ही जाऊँ अनजाना हूँ मैं। हो नमस्ते बेटा। अरे बेटा क्या तुम्हें नहीं पता आज मेरा बेटा सिद्धांत मुंबई शहर से वापस आ रहा है, उसी के आने की खुशी में खुश हूँ। और तुम तो उसके दोस्त हो, क्या तुम्हें नहीं पता? अरे क्या बताएं दादा, कुछ नहीं, सिद्धांत भैया से कांटेक्ट नहीं हो पाया इसलिए पता नहीं चला। अरे सिद्धांत भैया आ गए। अरे कैसे हो तुम लोग, और सब ठीक है? बाबू चैन स्पर्श, कैसे हैं बाबूजी? अरे बेटा ये खून कैसा, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं बाबूजी, बस यूं ही कुछ गुंडे रास्ते में मिल गए थे
बस उनसे उलझ गया था, पता नहीं कौन लोग थे। उनसे उलझ गया था? कहीं वो दिलावर। दिलावर? दिलावर कौन बाबूजी? अरे छोड़ो बेटा, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊं। नहीं बाबूजी, नहीं कौन दिलावर, मैं भी सुनना चाहता हूँ। फ्रेश हो जाओ, ये सब कुछ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। क्या बात है शेर खान, ऐसे क्यों लटका कर आए हो? हाय, उसको ठेकर होने ने बहुत मारा हमें। उस छोकरे से पिट कर आए हो तुम? मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। शाबाश कहा है भाई? भाई उसको जो चार सौ मांगी थी इसमें से पास के पास छोड़ कर आया मैं। कोई बात नहीं जोरावर, कोई बात नहीं, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम देखना मैं क्या करता हूँ। बाबूजी, आपने बताया नहीं दिलावर कौन है? अरे छोड़ो बेटा, पहले तुम खाना खा लो फिर सब बता दूंगा। ठीक है बाबूजी। बेटा मैं तुमसे एक बात कहूं? कहो बाबूजी। बेटा तुम शादी कर लो। बेटा जब से तुम्हारी माँ इस दुनिया से गई है घर में सोनापन सा लगता है। घर में बहू आ जाएगी तो घर का सोनापन भी खत्म हो जाएगा बेटा। बाबूजी, इतनी भी क्या जल्दी है मेरी शादी करने की? और अभी तो मेरी उम्र ही क्या है शादी की। बाबूजी मैं देखता हूँ। नहीं बेटा तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। दिलावर? हाँ मैं दिलावर, तू अच्छी तरह जानता है मुझे, तू कैसे भूल सकता है मुझे? सिर्फ भरे बाजार में तेरे सामने एक लड़की का रेप तो किया था मैंने, और तूने कोर्ट में गवाही देकर मुझे 5 साल के लिए जेल भिजवा दिया। वरना दिलावर खान की इतनी दहशत है कि आज तक दिलावर के सामने किसी ने आग उठाने की हिम्मत भी नहीं की। देखो दिलावर, मेरा बेटा परसों बाद शहर से आया है, इसलिए भगवान के वास्ते तुम यहाँ से चले जाओ। चला जाऊँ? अरे ऐसे कैसे चला जाऊँ? निकाल तेरे छोकरे को बाहर। मेरे बेटे ने क्या किया है? तेरे बेटे ने क्या किया? ये तू मुझसे पूछ रहा है? तेरे बेटे ने मेरे भाइयों को मारा है। आज मैं उसे बताऊंगा दिलावर खान के भाइयों पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। मेरे बेटे को माफ कर दो दिलावर, उससे गलती हो गई होगी, वो अभी नादान है। उसे समझा दूंगा दिलावर, मैं उसे समझा दूंगा। ठीक है, समझा देना अपने बेटे को, और कह देना कि वो कभी मेरे रास्ते में ना आए, वरना। अरे दिलावर रुक, क्या बोला तू कि मैं आज के बाद तेरे रास्ते में ना? अरे तो सुन, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया तो मार के दिखा। काशीनाथ समझा दे अपने बेटे को। तू अंदर चल। तलवार क्या निकालता है पुत्र? हिम्मत है तो मार के दिखा। बहुत जल्द वापस आऊंगा मैं, बहुत जल्द वापस आऊंगा। चलो सिद्धांत बेटा, तुझे क्या जरूरत थी बाहर जाने की? तुझे पता है वो बहुत खतरनाक आदमी है, और जब मैं उसको समझा रहा था, और बेटा तेरे को ये भी पता है कि उस पर 25 कदम का इल्जाम है, कई बार जेल जा चुका है वो, कितनी ही माताओं की कोख को उजाड़ा है उसने, कितने को विधवा किया है, उससे सब डरते हैं बेटा, उससे सब डरते हैं। पर मैं नहीं डरता बाबूजी, मैं ऐसे लोगों से कभी नहीं डरता। सच्चाई के रास्ते पे तो चलना आप ही ने सिखाया ना मुझे, फिर मैं उससे क्यों डरूं? धमकी देकर गया ना वो, देख लेता हूँ क्या बिगाड़ लेता हूँ हमारा। बाबूजी अगर आज आप मुझे ना रोकते ना तो मैं आज उसे। बाबूजी बाबूजी, यह क्या कर रहे हैं बाबूजी? यह आपने क्या किया बाबूजी?
प्यार ने क्या किया? ठीक किया बेटा। बाबूजी नहीं, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुझसे। नहीं बाबूजी, बेटा आज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करना बेटा, मुझे माफ करना। नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी? ऐसी बात कभी मत करना, आप तो मेरे बाबूजी हैं। आपने अगर मुझे थप्पड़ मार भी दिया तो क्या हुआ? एक बाप का थप्पड़ तो बहुत ही सौभाग्यशाली बेटे का नसीब होता है। बाबूजी आज के बाद ऐसी बात कभी मत करना, कभी मत करना बाबूजी, कभी मत करना। बाबूजी इतना प्यार करते हैं आप मुझसे कि आपने हथौड़े से अपना हाथ, आपके बेटे गए होते हुए आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। आप आंसू साफ करो, ठीक है? चलो खाना खाते हैं बाबूजी, खाना खाते। वैशाली तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुमने जॉगिंग करनी कब से शुरू कर दी? जब से शादी हुई है ना थोड़ी मोटी हो गई हूँ, सोचती हूँ जॉगिंग करके थोड़ा फैट कम कर लूँ। वैशाली तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं? अरे बाबा तुम यहाँ होते तो तुम्हें बताती ना, तुम तो मुंबई जाके भूल हो गए और वापिस आने का नाम ही नहीं लिया, कोई हमसे भी ज्यादा चाहने वाला मिल गया था। वैशाली तुम भी कमाल करती हो, ऐसा कुछ नहीं है। तू क्या करने जा रहा था बेवकूफ? तुझे पता है तू किसे मारने जा रहा था? वो मेरा शिकार है, मैं उसे मारूंगा। मैं उसे इतनी आसान मौत नहीं दे सकता। अभी तो मैं उसे बहुत तड़पूंगा, बहुत तड़पन दूंगा, ताकि उसे पता चले कि दिलावर खान से जो जिंदगी टकराई, समझो चूर चूर हो गई। भाई मैं तो बस सिर्फ जितना काम बताया जाए उतना क्या करो, चल रहा है। और मैं क्या करता भाई, कल आपकी बेइज्जत देख कर मेरा खून भरूंगा। बस मैं तो इसलिए भाई, मेरी आंखों के सामने कोई आपकी बेइज्जत करे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। भाई हम कैसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते भाई। अब तुम कुछ नहीं करोगे, जो करूंगा मैं खुद करूंगा। ऐसा मजा चखाऊंगा, ऐसा मजा चखाऊंगा कि सात पुश्ते भी याद रखेंगी उसकी। अब वो तुम बाप बेटे से ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। ओ आज तो गर्मा गर्म नाश्ता बनाया भाई, और क्या बनाया, और साथ में बादाम और पिस्ते की खीर भी। बाबूजी बंटी की कमा कर खाना बना था ना? अरे बेटा इसके पिताजी तो इससे अच्छा खाना बनाते थे। हाँ बाबूजी बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। खाओ बाबूजी। आप सिद्धांत भैया? हाँ बंटी। भैया आपके दोस्त आपको बाहर बुला रहे हैं। बाबूजी मैं चलता हूँ, दोस्त बुला रहे हैं। पहले पूरा खाना तो खा लो। बाबूजी बाद में आगे खाऊंगा, बस मैं पहले रुक गया था। अच्छा बेटा केला तो लेते जाओ। अच्छा बाबूजी, बाबूजी मैं चलता हूँ। अरे मेरा बेटा बहुत ही कमाल का है, खाने की तरफ ध्यान नहीं, कभी बंटी आ जाता है, कभी सट्टी आ जाता है, कभी दोस्त आ जाते हैं। दर्शन दिते तू तो इनका चांद हो गया यार। अच्छा आज तो पूरा है, मैं दर्शन की बात मुझसे कर रहा है। अरे यार जैसा तुम मुझे छोड़े गया था मैं तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही हूँ। हाँ यार तू बिल्कुल सही कह रहा है, तू तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है जैसा मैं तुझे छोड़ के गया था। तुझे पता है दुनिया कितनी आगे निकल गई है? सुनो भाइयों ये अभी भी दुनिया से 20 साल पीछे चल रहा है। अरे सिद्धांत तो तू अपना तू अपनी बता, मुंबई तो सूर है क्या, तुझे वहाँ की लड़की पसंद भी आएगी? नहीं नहीं यार मुझे कोई पसंद नहीं है, बस मुझे तो सिर्फ तू पसंद है यार। अरे कुछ नहीं यार, कुछ नहीं यार।
मारा था तू हमसे? क्या बताऊं यार, यही तो है मेरे सपनों की रानी। सर नो सर प्लीज सर, मेरे ख्याल से तुम्हारा नाम सिद्धांत ही है ना, जिसका कल ही कॉलेज में एडमिशन हुआ है तुमका? यस सर। तुम कल भी लेट थे, तुम आज भी लेट हो। कल तो पहला दिन था, मैंने एंट्री दे दी थी क्लास में, आज दे दूंगा। सर प्लीज सर, सर ट्रैफिक इतना था कि मैं फंस गया था। कोई बहाने बाजी नहीं चलेगी, आप जाइए। नजाकत भी खुदा क्या देता है जो कयामत ढा दे। रुतबा किसी का कुछ भी हो, देखो करिश्मा खुदा का वो साथ में बैठा दे। पिला दो कोल्ड ड्रिंक। क्या बात है, बड़ी मस्त लग रही हो। पिक्चर चले या जुहू चौपाटी? देखेगी तू मेरे मुंह मत लग, मैं कहती हूँ तू अभी सुधर जा, वरना क्या क्या बिगाड़ लेगी तू मेरा। कसम पूछ रहे खच्चर की, एक ना एक कुछ अपना बना के ही रहूंगा। क्या बोली तू? एक नया मुर्गा। आज मैं तुम्हें कोई देख रही हूँ, तुझे तो मैं बात कर देती हूँ।
Thank you.
अपने प्रेम को। क्या प्रेम? प्रेम को। प्रेम तो चाय की दुकान पर बैठा है। चाय की? अरे बापू ये वो चाय वाला प्रेम नहीं है, ये तो वो प्रेम है, इसमें अट्रैक्शन है, इमोशन है, इमोशन है, ट्रेजिडी है बापू। इसमें लड़का लड़का नहीं रहता, लड़की लड़की नहीं रहती, इसमें आदमी बिल्कुल अंधा हो जाता है। क्या होगा।
क्या कहती थी तू कल कैंटीन? बिगड़ी बाप की बिगड़ी औलाद। आज मैं तुझे बताऊंगा कि बिगड़ी बाप की बिगड़ी औलाद क्या कर सकता है। आज सरेआम सब के सामने इस कॉलेज में तुझे बेइज्जती न करती। मेरा भी नाम विकी थी। देख विकी, तू मेरे रास्ते से हट जा, वरना ऐसा मजा चखाऊंगी अफसोस होगा तुझे तेरे बाप पर जिसने तुझे पैदा किया है। तू अपनी सारी मर्दानगी भूल जाएगा। चखा मजा। मजा तो क्या चीज है, मैं तो तुझे पूरी की पूरी चखने के लिए तैयार हूँ। पड़ मारती है मुझे, बदतमीज कहती है, डफर कहती है। आज मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी मर्दानगी।
रुके कदम जाओ दिल रुबा Thank you.
दम तू मेरे साथ है, नहीं कटे दिन ये रात है, मुझको तू ये बता प्यार में रुके कदम, आ जाओ दिल रुबा तुझे पाना है, दिल में तुझे बसाना है, ओ मेरी रानी आ प्यार में रुके कदम, आ जाओ दिल रुबा बेटी, ये लो प्रसाद। करने जा रहा है, वो बार बार मरने की कोशिश कर। नहीं जीना मुझे इस दुनिया में जहाँ प्यार की कोई कदर ना हो। बचपन से लेकर आज तक मुझे किसी का प्यार नहीं मिला, बचपन में माँ का प्यार नहीं मिला, भाई का प्यार नहीं मिला, इतना बड़ा जवान हो गया आज तक किसी लड़की का प्यार नहीं मिला, और आज तक मेरे से कोई लड़की भी नहीं पटी, और अगर मैं कुछ कोशिश करता हूँ
तू बाबू बीच में ताला ला देता है, मैं मरना चाहता हूँ। नहीं गुल्लू, नहीं गुल्लू, मुझे क्या पता बेटा, मेरा पट्टा जवान हो गया। मेरे पट्टे से आज तक कोई लड़की नहीं पटी। गुल्लू गुल्लू बेटा, मैं तुझे लड़की पटाने का फार्मूला बता देता हूँ। बता मिल बाबू। देख बेटा, पहले अगर तुझे लड़की पटानी हो पहले छोटा कंकड़ उठाओ, लड़की के मार दो। अच्छा, अगर लड़की ने नहीं देखा तो कोई बात, फिर दूसरा उठाओ फिर मार। और फिर भी नहीं देखा उसने मेरे को, तो गुल्लू परेशान होने की क्या बात है, तीसरा पत्थर उठाओ और उसके फिर मार दो। लड़की अगर जो घूम के देख ले मुस्कुराई और हंसी तो समझे लड़की पट गई। क्यों नहीं यार, अरे यार मैं आप लोगों का दुश्मन थोड़ी ना हूँ। थैंक यू गर्ल्स।
सर के दुपट्टा तेरा सर से, सर के दुपट्टा तेरा सर से। तेरा सर से सर के दुपट्टा हो, सर के दुपट्टा है, सर के दुपट्टा तेरा सर से। के मुंडे पागल हो जाए, के मुंडे पागल हो जाए। सर के दुपट्टा तेरा सर से, सर के दुपट्टा हो, सर के दुपट्टा है, सर के दुपट्टा तेरा सर से। के मुंडे पागल हो जाए, मुंडे पागल हो जाए। सर के दुपट्टा तेरा सर से, we'll be right back.
रहा तेरा सर के मुंडे पागल हो जाए के मुंडे पागल हो जाए सर के दुपट्टा तेरा सर से आपका गले से कितनी दूर है? बस सामने ही गेट के पास रोक देना। सिद्धांत घर नहीं आओगे? बस फिर कभी आऊंगा, आज मुझे कुछ काम है, मुझे कहीं जाना है, फिर कभी आऊंगा।
यार, आज तुम कहाँ लेट हो गई थी? मामा आज कॉलेज में फंक्शन था, बस वही लेट हो गई और ऊपर से मेरी कार भी खराब हो गई थी। पापा कहाँ हैं? बेटा वो तुम्हारा इंतजार करके अभी अभी निकले हैं। वो कह रहे थे कि काजल बिटिया को शॉपिंग के लिए जाना था और वो कह के गए हैं कि साक्षी के साथ चले जाए। ओके मामा। हेलो साक्षी। हाँ काजल बोल रही हूँ। हाँ तो तुम क्या कर रही है आज? अरे हाँ वो शॉपिंग के लिए जाना था। तो ठीक है तू आधे घंटे में पहुंच जा, मैं फ्रेश होकर रेडी होती हूँ। हाँ पापा आ तो जा। ठीक है ओके बाय। बाबूजी बहुत परेशान हूँ। बाबूजी मेरे बच्चे की बहुत तबीयत खराब है। बाबूजी आप उसको हॉस्पिटल में पहुँचवा दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बाबूजी आपके हाथ जोड़ता हूँ। बाबूजी बहुत परेशान हूँ, बहुत देर से इंतजार कर रहा थी, कोई आ ही नहीं रहा इधर को जी। लेकिन आपके बच्चे को हुआ क्या? बाबूजी इसको बहुत तेज बुखार हुआ है जी। बाबूजी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चलो बैठो भाई। असली खिलौना रूप दिखाई दिया। मैं तो समझता था कि तू सुधर गया, पर नहीं, तू कैसे सुधर सकता है? आखिर आज तूने साबित कर ही दिया तू अपने असली बाप की औलाद हो ही नहीं सकता। कौन होगा?
लफड़े में पड़ना बेकार है, खामखा पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी, रहने दो बस। नहीं नहीं साक्षी, वो भी इंसान है और हम भी इंसान है, और इंसान को अपनी इंसानियत कभी नहीं भूलनी चाहिए। एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करने का फर्ज बनता है, और फिर भगवान को भी तो यही अच्छा लगता है। चलो साक्षी नीचे उतर कर देखते हैं। अरे काजल, ये तो सिद्धांत है। हाँ? चलो हॉस्पिटल निकल चलते हैं। डॉक्टर, अब कैसा है सिद्धांत? देखिए, हम ऑपरेशन कर रहे हैं, उसको ब्रेन हेमरेज हुआ है, सर में गहरी चोट लगी है, ऑपरेशन कर रहे हैं, हालत बहुत ही खराब है, फिर भी कुछ कह पाना मुश्किल है। क्या होगा, ये है कि भगवान पर भरोसा रखो, भगवान का करिश्मा ही उसे ठीक कर सकता है, बाकी देखिए क्या होता है। परेशान नहीं हो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कोई
काजल तुम? हाँ सिद्धांत, यही वो लड़की है जिसकी वजह से आज तुम जिंदा हो। यही तो मैं हॉस्पिटल लेके आई थी। इन्होंने कल से तुम्हारी देख रेख यही कर रही है। बहुत ही बेस्ट। काजल अंदर आओ। सिद्धांत काजल इतना प्यार करती तुम मुझे, तो मैं कल से देखभाल करूंगा और मुझे मौत के वहां से वापस ले आऊंगा। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, नहीं जी सकती तुम्हारे बगैर। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं अभी जिंदा नहीं रहती। आई लव यू सिद्धार्थ। आई लव यू तू काजल। आई तारीफ करते हुए नहीं थकती, रोज घर में तुम्हारा ही जिक्र रखती है और आज तुम्हें यहाँ ले आई। आओ बेटा बैठो। और घर में सब कुशल मंगल हैं? हाँ अंकल सब ठीक है। मेरा मतलब तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। कोई बात नहीं बेटा सिद्धार्थ, मैं चाहता हूँ काजल से शादी के बाद मेरा सारा बिजनेस तुम संभालो। क्या तुम शादी के बाद घर जमाए बनकर रहना पसंद करोगे? सॉरी अंकल, मैं अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहता हूँ, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता हूँ। सॉरी फॉर दिस। इसके साथ तुम्हारी शादी हरगिज नहीं करूंगा। इसके पास काम नहीं है, धंधा नहीं है, क्या ये तुम्हें खुश रख सकता है? बिल्कुल नहीं। डर गई ना बेटा, हमें तुम्हारी पसंद पर बहुत नाज है, हमें सिद्धांत बहुत बहुत पसंद है। पापा, I love you, पापा। अच्छा अंकल मैं चलता हूँ। नहीं बेटा, खाना खाकर जाता ना। बस अंकल फिर कभी आकर खाऊंगा। बेटा काजल सिद्धांत को बाहर तक छोड़ आओ। ओके पापा। डर गई ना बेटा, हमें तुम्हारी पसंद पर बहुत नाज है, हमें सिद्धांत बहुत बहुत पसंद है। पापा, I love you, पापा। अच्छा अंकल मैं चलता हूँ। नहीं बेटा, खाना खाकर जाता ना। बस अंकल फिर कभी आकर खाऊंगा। बेटा काजल सिद्धांत को बाहर तक छोड़ो। ओके पापा।
कुमारी हो क्या? शादी हो गई? मेरे तो 8-10 बच्चे भी हैं। काजल, मैं आज शाम के फ्लाइट से घर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। सिद्धांत, तुमने अचानक ये प्लान कैसे बना लिया? बस बाबूजी का फोन आया था शाम, वो कह रहे थे कुछ काम है इसलिए जाना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता, बस मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। काजल, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तुम ऐसे मेरे साथ जाओगी तो लोग हंसेंगे मुझ पर और तुम पर। मैं तुम्हें अपने साथ ऐसे थोड़े ना ले जाऊंगा, मैं तो तुम्हें अपने साथ अपनी दुल्हन बनाकर सजा दजा कर अपने घर ले जाऊंगा। मुझे नहीं पता, बस मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। काजल, अरे काजल, मेरी बात तो सुनो। अरे काजल, सुनो तो सही। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बात। अरे पलट, ओए ओए तेरा नखरा। प्यार में ऐसे न सदा मर जाएंगे दिलरुबा,
तेरा दीवाना हूँ, तू मेरी दीवानी है। मैं तेरा दीवाना हूँ, तू मेरी दीवानी है। अब तो हम दोनों की बस यही कहानी है। चली चली तू कहाँ चली, हे हे चली चली तू कहाँ चली। दूर से पासा पास से दूर, दूर से पासा पास से दूर। हाय चली चली तू कहाँ चली, हे हे चली चली तू कहाँ चली। रुक जा, चली चली तू कहाँ चली। अनजाना सफर है, जाना है कहाँ। तू है मेरी दिलरुबा ओ मेरी जान। अनजाना सफर है, जाना है कहाँ। तू है मेरी दिलरुबा ओ मेरी जान। आजा मेरे सामने ऐसे ना तड़पा, आजा मेरे सामने ऐसे ना तड़पा। प्यार की ये कली खिली है यहाँ। हे चली चली तू कहाँ चली, हे हे चली चली तू कहाँ चली। दूर से पासा पास से दूर, दूर से पासा पास से दूर। हे चली चली तू कहाँ चली, हे चली चली तू कहाँ चली। रुक जा, चली चली तू कहाँ चली। कमर तेरी तिरछी है निगाह, मान भी जाओ बाबा दिल को न जला। बलखाती कमर तेरी तिरछी है निगाह, मान भी जाओ बाबा दिल को न जला। दिल तेरा दीवाना है, आशिक बड़ा पुराना है। दिल तेरा दीवाना है, आशिक बड़ा पुराना है। माफी दे दो ओ जाना, पाहों में तू आ। हे चली चली तू कहाँ चली, चली चली तू कहाँ चली। दूर से पासा पास से दूर, दूर से पासा पास से दूर। हे चली चली तू कहाँ चली, हे हे चली चली तू कहाँ चली। दूर से पासा पास से दूर, दूर से पासा पास से दूर। हे चली चली तू कहाँ चली, हे हे चली चली तू कहाँ चली। लाखों है बीमार तुझे करने वाले प्यार, हम तो तेरे प्यार में मिट गए हैं यार। हे चली चली तू कहाँ चली, हे हे चली चली तू कहाँ चली।
तू चल भट्टी। बाबूजी देखो आ गया हूं आपका बेटा। बाबूजी मैं तो सोच भी नहीं सकता था बाबूजी ऐसा हो जाएगा। कल परसों के बाद मुंबई से आया और आते ये देख लिया बाबूजी इतने दिन में दूर रहा आपसे। अरे कोई बताओ ना, अरे किसने मारा मेरे बाबूजी को? कौन मेरे बाबूजी को मार के चला गया? अरे कोई बताओ ना। बाबूजी आगे कौन ना, मैं कोई आपसे दूर थोड़ी ना गया था, पास में अपने दोस्तों के साथ घूमने तो गया था और मैं आपको कह के गया था ना कि वहां के खाना खाऊंगा। कहा मेरा खाना बाबूजी, मुझे आपके साथ खाना खाना है बाबूजी, मुझे आपके साथ खाना खाना है बाबूजी। आप भी ये तो कहा था ना कि मैं आपका लाडला बेटा हूँ, मैं तो आपका लाडला बेटा हूँ ना। और बाबू जी आप तो मेरी शादी देखना चाहते थे ना, तो फिर मेरी शादी देखे बगैर कैसे जा सकते हैं आप? आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते बाबू जी, नहीं जा सकते। बाबूजी, जिस किसी ने भी आपकी जान ली है बाबूजी, मैं किसी ने भी जान दूंगा, उजाड़ दूंगा उसकी जिंदगी।
ए, इसमें और दारू डाल दूंगा। आज मैं जी भर के पीऊंगा क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। जल गई होगी साले बूढ़े की चिता। जल गई उसके लौंडे की भी जल जाएगी। ए, तेरी शादी हो गई? नहीं, उस दिन का तेरे बाप की शादी हुई थी। ए, तेरी जेब में क्या है? कुछ नहीं। ए, तेरी जेब में क्या है? ए, कुछ नहीं। साला मेरी जेब में कुछ नहीं है। इंतजार कर रही है बच्चे, लगता है तेरी मौत तुझे यहाँ खींच कर लाई है। तेरे बाप को भी मैंने तड़पा तड़पा के मारा था, देख तेरा भी मैं अनुयायी करूंगा। क्या बजाता है दिलावर? जितनी भी तू तालियां बजाएगा मौत उतनी तेरे करीब आती चली जाएगी। और जिन कुत्तों के सहारे तू भौंकता था उन्हें मैं पहले खत्म कर चुका हूं। दिलावर अब तेरी बारी है, देख आज मैं तुझे उन्हीं के पास पहुंचा। Thank you.
क्षमा कर, माफ कर दूं मैं तुझे, माफ कर दूं, हाँ मैं तुझे माफ कर दूंगा दिलावर, माफ कर दूंगा मैं तुझे, मेरे बाबूजी को मुझे वापस लौटा दे दिलावर, मैं तुझे माफ कर दूंगा, पर तू मेरे बाबूजी को मुझे वापस लौटा ही नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। मारूंगा तुझे दिलावर, मारूंगा। देख दिलावर, इस खंजर को गौर से देख और पहचान इसे, यही है वो खंजर जो तूने मेरे बाबूजी के सीने में खोदा था। पहचान इसे दिलावर, आज इसी खंजर से मैं तुझे शमशान पहुंचाऊंगा दिलावर। वेल्डन सिद्धांत, वेल्डन। मुझे खुशी है कि इस बैसी दंडे का खात्मा तुम्हारे हाथों हुआ। इससे दुख इस बात का है कि मैं इसे मार ना सका। मैंने इसे कई बार जेल भिजवाया, लेकिन इसकी इतनी पहुंच थी कि मैं कुछ ना कर सका। और अगर आज कुछ कर रहा हूं तो देश के एक अच्छे नागरिक को हथकड़ी लगा रहा हूं। सिद्धांत, मुझे इस बात का बहुत दुख है, लेकिन मैं कानून के हाथों बहुत मजबूर हूं। फिर भी सरकार से गुजारिश करूंगा कि तुम्हें कम से कम सजा अरेस्ट। इसकी जरूरत नहीं है सर, चलिए। पांडू जी सर, लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। सिद्धांत ने वही किया है जो भारत के सच्चे नागरिक को करना चाहिए। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। तमाम गवाहों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए मिस्टर सिद्धांत पर दिलावर खान के खून की तहकीकात के तहत अदालत इस मुद्दे पर पहुंची है। दिलावर खान एक वहशी दरिंदा था, ना जाने कितने बहु बेटी परिवार उसकी दरिंदगी के शिकार हुए। दिलावर पर 25 हत्याओं का इल्जाम भी पाया गया। सिद्धांत के पिता भी दिलावर की खूनी भूख के शिकार हुए। हत्यारे दिलावर पर 2 बार 1 लाख की धनराशि का इनाम भी रखा गया। सिद्धांत के द्वारा दिलावर खान जैसी बुराई को समाप्त करने की वजह में ये अदालत मिस्टर सिद्धांत को बाइज्जत बरी करती है। सब कुछ पता चल चुका था, हमें बहुत दुख है।
वेरी वेरी सॉरी बेटे। कोई बात नहीं अंकल, उस गॉड की लिखी कहानी को कोई बदल नहीं सकता। वेल डन बेटा, वेल डन। तुम्हारे जैसा बहादुर और संस्कारिक बेटा हर घर में पैदा हो। थैंक यू अंकल, थैंक यू। प्यार में